पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद पुलिस ने महादेव बैटिंग ऐप के जरिए लोगों से साइबर ठगी करने वाले गिरोह के सरगना समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी अब तक 1 करोड़ रुपए ठग चुके हैं। दिल्ली स्थित फ्लैट में आरोपियों ने अपना कॉल सेंटर खोल रखा था। यहीं बैठकर वो देश भर के लोगों को कॉल कर साइबर ठगी कर रहे थे। पुलिस टीम रामपुर में एक युवती के साथ हुई साइबर ठगी की जांच में जुटी तो साइबर ठग पकड़े गए, जिससे पूछताछ में पता चला कि आरोपी महादेव बैटिंग ऐप के जरिए भी ठगी करते हैं। एसपी क्राइम सुभाष चंद्र गंगवार ने बताया कि रामपुर मिलक की रहने वाली युवती ने साइबर अपराध थाने में केस दर्ज कराया था, जिसमें उसने बताया कि इंस्टाग्राम के जरिए साइबर ठगों ने उसे निवेश करने के नाम पर आईडी खुलवा ली और 8,50,000 रुपए ठग लिए। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की। कॉल डिटेल और बैंक खातों की आईडी के जरिए पुलिस ने नई दिल्ली के डाबरी थाना क्षेत्र के महावीर इंक्लेव पालम शिव शक्ति अपार्टमेंट निवासी आलोक कुमार झा, इसके साथ ही नई दिल्ली के करोल बाग बलजीत नगर निवासी नितिन और सोनू कुमार और मैथ गिरफ्तार कर लिया। सितम्बर माह में 2023 में दिव्या गुप्ता एक लेडी है जो मिलक रामपुर की रहने वाली है, उन्होंने एक अभियोग पंजीकृत कराया था कि इंस्टाग्राम से उनके साथ चीटिंग हो गई है। 8.5 लाख रुपया उनके साथ उनके खाते से निकल गया है। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उस समय साइबर थाना हमारा पूरे रेंज का था, उस वो मुकदमा पंजीकृत साइबर थाने में किया गया था। उस पर हम लोग काफ़ी दिनों से काम कर रहे थे, अब हमें काफ़ी अच्छी सफलता मिली है। इसमें हमने जो पकड़े हैं 3 लोगों को और इन पे जो है पैसा इनके खातों में गया है। ये काम ये करते हैं कि इंस्टाग्राम में एक पेज बनाते हैं और लोगों से कहते हैं कि इसमें पैसा इन्वेस्ट करो, इसमें आपको पैसा ज़्यादा मिलेगा। शुरू में जैसे 1,000 किसी ने पैसा लगाया तो उसको 1,300 रुपये इन्होंने रिटर्न कर दिया। एक दो बार ऐसा करने के बाद जब पार्टी उसमें मोटा पैसा लगा देती है तो उसके और लगा देती है तो भी ये लोग उसको अपना बंद कर देते हैं और वो पैसा चीट कर लेते हैं। काफ़ी दिनों से काम चल रहा था, इसमें हम लोग ने 3 लोग को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 7 मोबाइल फ़ोन, 2 लैपटॉप हमने बरामद किए हैं। दिल्ली में ये लोग बाकायदा फ्लैट ले के किराए पे ले के उसमें अपना पूरा सिस्टम लगा के काम करते हैं। और पूछताछ में ये भी पता चला है कि महादेव ऐप जो महादेव बेटिंग ऐप है उसमें भी ये लोग काम कर रहे थे, उससे भी इन्हें मोटा पैसा मिलता था। अब तक की इन्होंने लगभग 1 करोड़ की जो ठगी है वो करना इनके द्वारा बताया गया है। विवेचना चल रही है ये किन किन और केसों में इसमें इन्वॉल्व हैं, उसमें हम लोग विवेचना में आगे खोलेंगे। इसमें हाँ इनके कई लोग हैं और इसमें विक्की नाम का एक व्यक्ति है, एक सुरेश राव नाम का है, ये महाराष्ट्र का रहने वाला है। ये पूरे इनका जो सिस्टम रहता है वो पूरे देश में फैला हुआ है, झारखंड में भी हैं इनके लोग। तो जो पैसा बैंकों में गया है वो अलग अलग खातों में पूरे इंडिया में गया है, महाराष्ट्र में भी गया है, झारखंड में भी गया। ये सारे हमारे विवेचना के पार्ट हैं जो हम उसमें कवर कर रहे हैं। हम तक कहाँ और इसके अलावा कहाँ पर इस तरह की घटनाएं पाई गई हैं, किस तरह की घटनाओं का सामना? नहीं, इन्होंने तो ठगी जैसा मैंने बताया कि लगभग 1 करोड़ की ठगी ये कबूल रहे हैं कि इन्होंने की है। अब वही है कि हम लोग उसको सूत्रों को जोड़ेंगे, साक्ष्यों को जोड़ेंगे और कहीं और के संज्ञान में आएगा तो वहाँ के केस को ओपन कराने का काम हम लोग करेंगे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।